हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज फिर कर वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे अगेन हैप्पी दिवाली एंड दिवाली रिलेटेड वीडियो है। डाइस मीडिया फर्स्ट दिवाली विद योर इन लॉज। ओह दैट्स वेरी ट्रिकी। ट्रिकी इन अ सेंस मतलब ट्रिकी, एक नई जगह पे एक नई फैमिली के साथ पहला फेस्टिवल, तो इंसान काफी मिस करता है अपनी फैमिली को के हो views to celebrate this event. तो इन लॉज की रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं रहती वैसे जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। इन लॉज लेट्स सी, वेल डिपेंड करता है। लेट्स सी, थ्री गो। मैं डैड विल बी लेट या मैं आपको रात को फोन करती हूँ इन केस यू आर स्टिल अप। ओके डैड, इधर पोलो के साथ लाइट्स लगाएं थोड़ी सी, व्हाट डू यू थिंक, अच्छे लगेंगे ना, फील आ जाएगी। बेसन लाई बेटे? हाँ। अरे लड्डू तो हम बना ही रहे। चलो कोई बात नहीं, वैरायटी हो जाएगी। अरे ये गेंदे के फूल से कितने महंगे हो गए क्या? नहीं डैड, मैं अभी लेके आया। मजाक कर रहा था, चाइनीज लाइट्स है ना हमारे पास। अरे ये तो ये करण को जोश लगा है, फूल लगाते हैं फील आएगा। अच्छा सुनो ना, मुझे हेल्प करना है। चलो तो तुम्हारी पहली दिवाली है। करण या मॉम, इतने खा ले बेटा। हां फिर आ जाओ। लाइट्स जगदीश, ये बता ओल्ड मॉम पीने वाला रेड वाइन कैसे ले आया तू? सब ठीक तो है ना? जब से मिलान से लौटे हैं ना, चखना को भी उस वक्त देखिए मीठा बहुत खाता था, लेकिन शादी के बाद देखो फिट कैसे हो गया। भाई हनीमून के पहले तो सब फिट हो ही जाते हैं। शरद तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? उनकी तो पहली दिवाली होगी ना तुम्हारे बिना। वो तो मजे में है, मिस तो मैं करती हूँ। एंड जेसन बाय द वे इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज़ वो मेरे रूम को फीफा रूम बना चुका है। सो क्यूट। चलिए भी किसकी चाल आगे चलें? हम दोनों हैं। मैं भी हूँ। मॉम इफ यू आर फ्री टुमारो आ जाओ ना मुंबई सबसे मिलने। हाँ हाँ, तो पूरी दिवाली रोड पे निकल जाएगा ना। एनीवे बाबू जेसन हैज अ सीए फाइनल एग्जाम्स। अरे हाँ, अगली बार ना सबको पूरा ले आना। शरद कल स्ट्रेस मत लेना, त्योहार है, एग्जाम भी। ओके गुड नाइट। लव यू। ए ये क्या कर रहे हो? अरे यार दिवाली का दिन है, मना थोड़ी करूंगी। कम से कम पूजा के लिए तो रुक जाते। पूजा में इतनी मगन हो जाती हो, करते करते शाम हो जाएगी। शरण आ गई तुम, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। Okay. Okay, she's Christian. Christian.
ये लो मुंह मीठा करो। अच्छा थैंक यू डैड। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। For you? For me? Yeah. Open it. Okay. Cool. You like it? It's beautiful. I love it. You're welcome. Thank you, Mom. बेटा ये सरप्राइज तो करण का था, मेरा वाला तो पीछे देखो। ओके फैमिली फैमिली। Oh, that's nice. So sweet. Nice. Happy Diwali. Happy Diwali. दिवाली पे ये भी होता है। अब आप सबको आना है लाइकों के साथ क्रिसमस के लिए पूरा 100% है ना। रिमेम्बर यार मेरा हाथ जल चुका है बहुत बुरी तरह यार। उसकी उल्टी साइड से पकड़ लेना। पता नहीं क्या हुआ था मुझे याद नहीं है बट बहुत बुरा खेला। Swarovski and Dice Media wish you a very happy Diwali. This Diwali, gift your loved ones some sparkle with Swarovski's Diwali selection available at their stores. Happy Diwali. Okay, so Pindi Reaction presents you this reaction video and happy Diwali. So इस video का link आपको description में मिलेगा। इस channel पर जाके इनको इस videos भी देख सकते हैं and very beautiful video. एक short movie type बनाई हुई थी। This was the perfect video. Perfect family as well. For married couples especially or for in-laws especially. Yeah, perfect actually, in-laws. In real for every family. So, बहुत ही मैं कहूँगा प्यारी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो इवेंट्स की और फेस्टिवल की एसेंस यही होती है कि उनको फैमिलीज के साथ एंजॉय किया जाए, सारे इकट्ठे हो सकें। और अगर आप दूर दूर हैं तो फिर इतना मजा नहीं आता। और एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। yeah, उन्होंने वो जो दिखाए ना एक सेंटेंस उसकी वजह से उन्होंने दैट वाज टू गुड कि आप किसी ऐसे फेस्टिवल्स पे हर किसी का अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें और उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कुछ अनकही बातों को समझना। क्लोज वंस जो होते हैं वो समझ जाते हैं। फैमिली रिलेशंस में ऐसे होता है। तो ऐसा ही हुआ जो तुम कहना चाह रहे हो। सो एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड फील्ड में फैमिली की बात एंड लव्ड वंस मतलब अदर देन फैमिली पिछले वीडियो में वर्ड सीख चुका हूँ सेटिंग भाई। तो काफी कुछ वर्ड सीखने को मिल रहे। एक और वर्ड मैंने सीखा चोचक। पता है चोचक? नहीं। जिसको पता है कमेंट करके बताए। एक कमेंट आया था रिसेंटली, मैंने कमेंट पढ़ा, उसने उस भाई ने चोचक वर्ड को एक्सप्लेन भी किया। ओके तो इट वाज न्यू फॉर मी एंड इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। मैं काफी देर तक वो पढ़कर हंसता रहा। वीडियो के बाद मतलब बताऊंगा। ओके जिन जिन को इस वर्ड का मतलब पता है प्लीज कमेंट करें और इसका मतलब बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी? बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। आई थिंक इस तरह के जितनी भी फेस्टिवल्स होते हैं दिस इज द एसेंस ऑफ दिस फेस्टिवल और वेरी ब्यूटीफुल। और इस वीडियो को से आप अपनी लाइफ में क्या गेट इन कर रहे हैं और इस फेस्टिवल पे आप अपने लव्ड वंस का भी ख्याल रखें और उनके ख्याल रखें, उनको उनके गिफ्ट्स एक्सचेंज करें,
एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, यही फेस्टिवल्स होते हैं। इतनी बिजी लाइफ में कुछ कुछ ही टाइम मिलता है कुछ लोगों के साथ गुजारने का, तो फेस्टिवल इसीलिए है कि आप टाइम स्पेंड करें ज्यादा से ज्यादा। और गिफ्ट जरूरी नहीं इतना एक्सपेंसिव हो, आप एक चॉकलेट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। गिफ्ट का मतलब सिर्फ वो एक्सपेंसिव कुछ नहीं लेना देना होता गिफ्ट का, गिफ्ट इज अनदर थिंग। ओके, मतलब उर्दू में कहते हैं ना खलूस होने चाहिए। खलूस, खलूस इज द वर्ड। मुझे कोई और वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आई विल यूज खलूस। तो खलूस आपकी अगर नियत में खलूस मौजूद है तो आपका तोहफा जो है टिपिकल उर्दू वर्ड। खैर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दो हमारे चैनल हैं। और सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।